लखनऊ से बड़ी खबर, महंत राजूदास और सौम्य प्रसाद मौर्य आपस में भिड़े। राजूदास और सौम्य प्रसाद के समर्थक बीच में हाथापाई उनके हुई। होटल तास के बाहर सौम्य प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया। दोनों एक दूसरे को पीटने का आरोप लगा रही हैं। भाला और तलवार से हमला करने की कोशिश की गई। सौम्य प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कराऊंगा, राजूदास ने कहा है। आपको बताते चलें कि सौम्य प्रसाद के समर्थकों ने मुझे पीटा है। राजूदास ने आरोप लगाया और कहा कि 3 से 4 लोग थे और सौम्य प्रसाद के साथ 50 के तकरीबन लोग थे जिन्होंने तलवार से हमला किया। मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं था, न तलवार थी न भाला था, ऐसा राजूदास का कहना है पूरे मामले को लेकर। और कहा है कि पूरे मामले का लेकर केस दर्ज कराएंगे और सौम्य प्रसाद पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया है। राजूदास ने कहा है कि उन पर सौम्य प्रसाद के लोगों ने हमला किया। सौम्य प्रसाद पर हमले की कोशिश राजूदास को महंगी पड़ेगी। सौम्य प्रसाद के आक्रोशित समर्थकों ने जमकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। सौम्य प्रसाद की गर्दन काटने का ऐलान कर चुके हैं राजूदास के समर्थक।